दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग लव गोड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्रेंड आज के पार्ट में काफ़ी मेच्योर कंटेंट है, तो प्लीज़ हेडफोन लगा कर ही सुने। तो चलिए अब अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हेवन में एक बड़ी मीटिंग रखी जा रही थी, क्योंकि उसमें हेल के राजा जिन जेसवंत शामिल होने वाले थे। लेकिन चिंग उस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह वांजी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वेंचिंग जो फील कर पा रही थी कि वांजी इस समय परेशान है, लेकिन वह उसके पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि वांजी ने उससे प्रॉमिस लिया था कि आप तब तक मेरे पास नहीं आओगे जब तक मैं खुद आपको नहीं बुलाऊंगा, और ना ही मेरी परमिशन के बिना आप मुझे वापस हेवन में लेकर जाओगी। तो चलिए दोस्तों कहानी इससे आगे शुरू करते हैं। मीटिंग शुरू हुई और हेल के राजा जिन जेसवान को बोलने का मौका दिया गया। हेल गॉड जिन जेसवान ने खड़े होकर हेवन गॉड लैन सिचैन को ग्रीट किया और कहा, आप जानते हो हेवन गॉड, मैंने अपने पिता के जाने के बाद आज तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ पाने की कामना नहीं की जिसके लिए मुझे युद्ध करना पड़े और अपनी निर्दोष सेना की जान गंवानी पड़े। और यही कारण है कि मैं यह युद्ध आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी तरह किसी भी राज्य पर राज करने की इच्छा नहीं करते। हमें केवल यह युद्ध उस मैजिक महल के एम्परर पेन रोहान को उस स्टोन तक पहुंचने से रोकने के लिए करना है, और जो हम एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं, तभी लैन सिचैन ने कहा। लेकिन हेल गॉड जिन जेसवान, हमने सुना है मैजिक महल के मैजिक गॉड कभी आपके बेटे हुआ करते थे जिसे आप पृथ्वी से लेकर आए थे, तभी जिन जेसवान ने कहा। हाँ यह सच है कि मैं उस लड़के को पृथ्वी से लेकर आया था, लेकिन अब वह मैजिक महल का मैजिक गॉड है, ब्लैक मैजिक गॉड, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ। मुझे केवल अपनी प्रजा की जान बचानी है, और जिसके लिए मैं किसी से भी युद्ध कर सकता हूँ, वह फिर चाहे मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन हेल गॉड जिन जेसवान का दिल जानता है कि वह यहाँ पर केवल अपने बड़े बेटे विभूसेन के लिए यहाँ पर आए हैं, कि वह एक दोस्त की तरह लड़कर मून प्रिंसेस से अपने बेटे की जान नहीं बचा सकते, लेकिन एक दुश्मन की तरह सामने खड़े होकर वह अपने बेटे को सेव कर सकते हैं। और यह बात हर किसी ने मान ली थी कि हेवन गॉड और हेल गॉड दोनों एक साथ मिलकर ब्लैक मैजिक महल के एम्परर बेन रोहान के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, और अब केवल उन सबको मिलकर उस युद्ध की सलाह मिलानी थी। और उधर 24 घंटे होने में लगभग आधा घंटा बचा था, लेकिन अभी तक भी बेन रोहान ने वह डोर नहीं खोला था जहाँ पर लान वांजी का स्टोन रखा हुआ था और जिस पर वैन रोहान अपने ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर रहा था। तभी एक तेज आवाज़ से वह डोर खुल गया। वैन रोहान अपने ध्यान से हटा और डोर की तरफ देखा, वह डोर जो लगभग टूटने ही वाला था। वैन रोहान ने खड़े होते हुए गुस्से में कहा, विभूषण क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर यह किस तरह की हरकत थी। तभी वीर ने कहा, महाराज मुझे वह स्टोन चाहिए, क्योंकि मुझे उसे अभी अपने साथ ले जाना है और उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। बैन रोहान जो विंग की आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देख रहा था, बैन रोहान जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ब्लैक मैजिक कोट को इस स्टोन से और लान वांजी से इतना लगाव क्यों है। क्या विभूषण जानता है कि लैन जैन ही लान वांजी है। लेकिन बैन रोहान ज़्यादा नहीं सोच पाया, क्योंकि विंग ने बिना बैन रोहान की परमिशन के वह स्टोन अपने हाथ में उठा लिया और कहा, महाराज मेरे पास इतना सोच विचार करने का समय नहीं है, अगर आपको मेरी गलती के लिए मुझे पनिशमेंट भी देनी है तो मेरे लौटने के बाद दे सकते हो, लेकिन अभी मुझे इस स्टोन को लेकर यहाँ से जाना है। और कहते हुए विंग उस रूम से बाहर की तरफ चला गया और वैन रोहन एक ठगे हुए इंसान की तरह विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने मैजिक का प्रयोग किया और एक ही पल में स्टोन वर्ल्ड में पहुँच गया।
चौहान लेंजन को लेकर सुबह से ही बहुत परेशान था, क्योंकि आज उसने एक बार भी लेंजन को नहीं देखा था और स्टोन वर्ल्ड में पहुंचकर उसे और भी ज़्यादा लेंजन की याद सताने लगी। क्योंकि कल जब वह इस स्टोन को लेने आया था तो उसका लेंजन उसके साथ था। और उधर हेवन में मून प्रिंसेस अपने बेटे के रूम में बैठी थी और सामने रखे एक फ्लावर पॉट की तरफ देख रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा जो तुमसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन यह कहते कहते मून प्रिंसेस की आंखें भर आई और मून प्रिंसेस कहने लगी, वांजी पता नहीं इस बार तुम्हें पृथ्वी पर ऐसा क्या मिल गया है जो तुम वापस नहीं आना चाहते। भी मून प्रिंसेस ने एक आवाज़ सुनी, माँ क्या आपको गगा की याद आ रही है। मून प्रिंसेस ने पलट कर देखा तो वहाँ पर उसका बेटा सिज भी खड़ा था। मून प्रिंसेस ने कहा, हाँ मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब वह इतने दिन तक हमसे दूर रहा है। सिजवी ने देखा मून प्रिंसेस की आंखें पूरी तरह से गीली थी। सिजवी ने आगे बढ़ते हुए कहा, माँ आप चिंता ना करें, गग्गा वापस लौट आएंगे। लेकिन इससे पहले सिजवी अपनी माँ मून प्रिंसेस तक पहुँच पाता, मून प्रिंसेस वहाँ से अचानक डिसअपीयर हो गई। मून प्रिंसेस जब उस फॉरेस्ट में अपीयर हुई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मून प्रिंसेस का दिल दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि उसका बेटा वहाँ पर बिल्कुल बेजान फ्लोर पर लेटा हुआ था। मून प्रिंसेस ने तेज़ी से दौड़कर अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन मून प्रिंसेस ने जैसे ही वांजी को टच किया, वह समझ चुकी थी कि उसके अंदर ऊर्जा का एक भी कण बाकी नहीं है। इसका मतलब उसके स्टोन को किसी ने छुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उसके बेटे के स्टोन को छुआ है और उसे पता भी नहीं चला है। मून प्रिंसेस ने अपनी आंखें बंद की और वांजी के स्टोन पर ध्यान लगाने लगी। लेकिन वांजी का स्टोन अपनी जगह पर सही सलामत रखा हुआ था। मून प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने बेटे की तरफ देखा, जो बिल्कुल बेजान उसकी गोद में लेटा हुआ था, जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था। मून प्रिंसेस सोच रही थी, आखिर उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी बॉडी की ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो गई, जैसे किसी ने उसके स्टोन में से उसकी ऊर्जा निकाल ली हो। लेकिन अभी मून प्रिंसेस ज़्यादा नहीं सोच सकती थी, क्योंकि अभी उसे अपने बेटे को ठीक करना था। और मून प्रिंसेस अपनी पावर अपने बेटे में ट्रांसफ़र करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद वांजी ने अपनी आँखें खोली। वांजी ने देखा वह अपनी माँ की गोद में है। वांजी को याद आया कि वह बेहोश होने से पहले अपनी माँ को याद कर रहा था, शायद इसीलिए उसकी माँ यहाँ पर आ गई हैं। चिंग, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, चिंग ने वांजी को गले लगाते हुए कहा, वांजी मुझे कोई समझदार वांजी नहीं चाहिए, मुझे मेरा नादान सा बच्चा ही काफ़ी है। वांजी तुम नहीं जानते तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। वांजी अगर तुम्हें लगता है पृथ्वी पर रहकर तुम समझदार बन जाओगे तो मुझे समझदार बेटा नहीं चाहिए, मुझे मेरा वह मासूम सा नादान सा वांजी ही काफ़ी है। चिंग यह सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वांजी ने यहाँ आने से पहले चिंग से कहा था, माँ मैं भी सिजवी की तरह एक समझदार हेवन प्रिंस बनकर दिखाऊंगा, जो हर कोई अपनी बात मुझसे कहे। मैं जानता हूँ कि हर कोई मुझसे अपनी बातें छुपाता है, क्योंकि सबको लगता है कि मुझ में सोचने की अकल नहीं है। और चिंग ने कहा था, वांजी ऐसा नहीं है कि तुम में समझ नहीं है, तुम केवल दिल से बातें सोचते हो और दिल से बातें सोचने वाला इंसान हमेशा खुद को ही चोट पहुंचाता है। और वांजी अपनी माँ की तरफ देख रहा था और अपनी माँ की बातों का मतलब समझ पा रहा था कि माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि दिल से सोचने वाला इंसान हमेशा खुद को चोट पहुँचाता, क्योंकि लगभग अभी उसकी जान जाने वाली थी अगर उसकी माँ सही समय पर ना आती। चिंग ने कहा, वांजी अब तुम मेरे साथ हेवन में चल रहे हो, मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। तभी वांजी ने कहा, माँ मैंने आपसे कहा था 10 दिन बाद मैं खुद हेवन में लौट आऊँगा, लेकिन अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए हैं। चिंग जो एक बार फिर से अपने बेटे की जिद के सामने हार चुकी थी, चिंग ने कहा, वांजी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम 10 दिन बाद
वापस जरूर लौटोगे। वांजी जो अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जिनकी आंखों में आंसू थे, और वांजी समझ पा रहा था कि उसकी माँ आखिर उससे ऐसी बात क्यों कह रही है। क्योंकि वांजी के जन्म के समय स्टोन गुरु ने कहा था कि उसकी डेस्टिनी पृथ्वी से जुड़ी हुई है, और यह तो वांजी खुद भी जानता है कि उसका पृथ्वी के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वांजी ने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, माँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 10 दिन बाद हेवन में जरूर लौटूंगा। रात को जब विंग अपने रूम में आया, विंग ने देखा वांजी पहले से ही उसके बेड पर बैठा हुआ था। विंग ने जब वांजी की तरफ देखा तो आज विंग की आंखें नम होने लगी थी, क्योंकि आज उसने वांजी को सुबह से बहुत ज़्यादा मिस किया था। वांजी ने कहा, लाउसी आखिर आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर ही दिया, आप उस स्टोन को वापस उसकी जगह पर पहुँचा ही आए। विंग ने वांजी की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ लंजा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैं पूरा क्यों नहीं करता। और कहता हुआ विंग अचानक चुप हो गया। तभी वांजी ने कहा, लाउसी क्या कुछ हुआ है। विंग ने कहा, मैं नहीं जानता लंजा, लेकिन जब मैं स्टोन वर्ल्ड में पहुंचा तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ की हर एक चीज़ मुझे जानती हो। तभी वांजी ने कहा, देखा लाउसी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, आखिर अब आपको मुझ पर भरोसा हुआ ना। बिंग वांजी के फेस की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, लंजा यह केवल तुम्हारे प्यार के कारण ही हुआ है, वरना मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं एक इंसान कहने के लायक भी नहीं हूँ। बिंग ने अपने अपर क्लोथ उतारे और लेटते हुए कहा, लंजा तुम रात कहाँ चले गए थे, मैं सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा। वांजी जो झूठ नहीं बोलता, वांजी ने कहा, लाउसी मैं फॉरेस्ट में वापस चला गया था क्योंकि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, और मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आपको वह स्टोन वर्ल्ड में पहुंचाना था। वांजी जो हमेशा की तरह अब तक अपने नरम पिल्लो पर लेट चुका था और विंग का हाथ भी वांजी के बालों तक पहुंच चुका था। वांजी ने कहा, लाउसी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। विंग ने वांजी के बालों में अपनी फिंगर घुमाते हुए कहा, हाँ लंजा पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। वांजी ने कहा, लाउसी आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपकी फैमिली कहाँ पर रहती है। विंग जो एक पल के लिए खामोश था, लेकिन तभी विंग ने वांजी की तरफ देखा जो बहुत ही क्यूरियस होकर विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक अनाथ लड़का हूँ जिसे हेलगोड जिन जेसवान अपने साथ अपना बेटा बनाकर ले आए थे, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक मुझे अपना बेटा बनाकर अपने पास नहीं रख पाए क्योंकि कुछ दिन बाद ही भगवान ने उन्हें अपना खुद का बेटा दे दिया और उन्होंने मुझे यहाँ इस मैजिक महल के एम्परर वैन रोहान को सौंप दिया। वांजी जो इस समय एक डीप थिंक्स में खो चुका था, वांजी सोच रहा था, क्या मेरी डेस्टिनी इसीलिए पृथ्वी से जुड़ी हुई है क्योंकि मैं लाउसी से प्यार करता हूँ और लाउसी पृथ्वी के रहने वाले हैं। और वांजी सोचने लगा, इसका मतलब लाउसी सचमुच मुझसे प्यार करते हैं, तभी तो मेरी डेस्टिनी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद विंग और वांजी दोनों सो चुके थे। मॉर्निंग जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो हमेशा की तरह वांजी उसकी बाहों में सो रहा था, और विंग ने आज बिना सोचे एक ही पल में वांजी के लिप्स पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लंजा। विंग उठा और क्लास के लिए तैयार हो गया। अब इस युद्ध को केवल 3 दिन बचे हैं, इसीलिए विंग को और भी ज़्यादा तैयारियां करानी हैं। दोपहर का समय था, विंग एक पेड़ के नीचे बैठा था और वांजी के बारे में सोच रहा था क्योंकि अब उसे वांजी की आदत पड़ चुकी है, वह जब तक वांजी को नहीं देख लेता तब तक ना ही उसकी रात शुरू होती है और ना ही उसकी सुबह शुरू होती है, लेकिन वह फिर भी वांजी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है। वह नहीं कह पा रहा है कि लंजा जितना तुम मुझसे प्यार करते हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। विंग जो अभी अपनी डीप थिंग में खोया हुआ था, तभी उसने एक आवाज़ सुनी, लाउसी क्या सोच रहे हो।
बिंग ने देखा वांझी उसी की तरफ आ रहा था। वांझी ने बिंग के पास आते हुए कहा, लाउसी मुझे आपसे कुछ चाहिए। बिंग ने वांझी की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वांझी ने एक मिसचीवियस स्माइल दिखाते हुए कहा, एक किस। बिंग ने बहुत ही हैरानी से वांझी के फेस की तरफ देखा क्योंकि यह वांझी की एक अलग ही डिमांड थी। बिंग ने कहा, लंजा तुम क्या कह रहे हो? तभी वांझी ने पाउट बनाते हुए कहा, लाउसी आप मेरी मर्जी के बिना तो मुझे किस कर सकते हो, तो क्या आप मेरे कहने से मुझे किस नहीं कर सकते? लाउसी मैं जानता हूँ कि आप हर रोज मुझे गुड मॉर्निंग किस किया करते हो। बिंग जिसका फेस पूरी तरह से रेड हुआ जा रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि लंजा उसके गुड मॉर्निंग किस के बारे में जानता है। बिंग वांझी के फेस की तरफ देख रहा था। वांझी जो बिंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका था। वांझी ने बिंग की नेक में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तो लाउसी क्या आप मुझे किस करने के लिए तैयार हो? बिंग ने थोड़ा हकलाते हुए और लंजा से अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, लंजा तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह किस नहीं कर सकता। तभी वांझी ने कहा, तो ठीक है तुम मुझे इस तरह किस नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे तो किस कर सकते हो ना? तभी बिंग ने देखा वांझी जो एक क्यूट सा रैबिट बन चुका था और उस रैबिट ने कहा, तो लाउसी तुम अब तो मुझे किस कर सकते हो ना? बिंग जो उस रैबिट को देखकर मुस्कुराया और बिंग ने उस रैबिट को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, लंजा तुम इस समय इतने क्यूट लग रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत सारे किस कर सकता हूँ। वांझी ने कहा, लेकिन लाउसी यह तो गलत बात है, आप इस रैबिट को इतने सारे किस कर सकते हो लेकिन मुझे एक भी नहीं। बिंग जो वांझी की क्यूट सी बातों पर मुस्कुराया और बिंग ने उस रैबिट के फोरहेड को चूम लिया, लेकिन जैसे ही बिंग के लिप्स उस रैबिट के चीक्स तक पहुंचने ही वाले थे तभी उसने एक आवाज़ सुनी, राजकुमार बिंग आपको कब से रैबिट पसंद आने लगे? बिंग ने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहां पर यांग जी खड़ी थी और इससे पहले बिंग कुछ कह पाता यांग जी ने आगे बढ़कर उस रैबिट को बिंग के हाथों से खींच लिया। बिंग ने कहा, राजकुमारी यांग जी मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो, वह मेरा रैबिट है और मेरा रैबिट मुझे दो। और कहते हुए बिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन यांग जी ने उस रैबिट को पीछे की तरफ हटा लिया और कहा, राजकुमार बिभूषण इस रैबिट को तो मैं अब आपको नहीं दूंगी, इसने मेरी जगह लेने की कोशिश की है और इसका भुगतान तो इसे करना ही होगा। बिंग ने गुस्से में कहा, राजकुमारी यांग जी मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। यांग जी ने कहा, राजकुमार बिभूषण यह शब्द तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, अब तो इस शब्द की मुझे आदत पड़ चुकी है। बिंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यांग जी वह रैबिट मुझे वापस दो। यांग जी ने बिंग के क्लोज आते हुए कहा, ठीक है मैं यह रैबिट तुम्हें दे दूंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें इस रैबिट की तरह मुझे भी किस करना होगा। बिंग ने कहा, राजकुमारी यांग जी अपनी हद में रहकर बात करो और मेरा रैबिट मुझे वापस दो। और इससे पहले बिंग यांग जी के हाथ से उस रैबिट को ले पाता तभी उसकी नज़र सामने आ रहे वैन रोहान पर पड़ी। वैन रोहान ने बिंग के पास आते हुए कहा, बिभूषण मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। और वैन रोहान ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यांग जी तुम यहाँ से जाओ, अपने रैबिट के साथ अपने कमरे में जाकर खेलो। लेकिन बिंग जिसकी नज़र उस रैबिट से हटने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वह कोई रैबिट नहीं था जिसे यांग जी अपने रूम में जाकर खेले, वह तो उसका लंजा है जिसे बिंग अपनी बाहों में भरना चाहता है और बहुत सारा प्यार करना चाहता है। यांग जी जो उस रैबिट को लेकर अपने भाई बैंचाओ के रूम की तरफ जा रही थी, वांझी मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, यह राजकुमारी मुझसे खेलना चाहती है या फिर मेरी जान लेना चाहती है? यह इतनी देर से मेरा गला क्यों दबा रही है? अगर यह इसी तरह मुझसे खेलेगी तो मैं शाम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यांग जी जब अपने भाई बैंचाओ के रूम तलक पहुंची, उसने देखा बैंचाओ जो बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि वह 24 घंटे की कैद खाने की सजा काट के आया था। बैंचाओ ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, यांग जी क्या हुआ,
और तुम यह रैबिट कहाँ से ले आई? फेंग जी ने एक बार फिर से उस रैबिट की नेक को तेजी से दबाते हुए कहा, यह कोई रैबिट नहीं है, यह मेरा दुश्मन है। वेन चाओ ने यांग जी से कहा, दुश्मन? यह रैबिट तुम्हारा दुश्मन कैसे हुआ? यांग जी ने उस रैबिट को पास के टेबल पर बैठाते हुए कहा, क्योंकि यह मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। वेन चाओ ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, यांग जी, आखिर यह रैबिट तुम्हारी जगह कैसे ले सकता है? तुम एक प्रिंसेस हो, मैजिक महल की प्रिंसेस, और यह ना चीज सी एक कमजोर सी जान फिर यह तुम्हारी जगह कैसे ले सकता है? यांग जी ने कहा, क्योंकि राजकुमार विभूषण इसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और इसे पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। वेन चाओ ने कहा, तो फिर मेरी प्यारी प्रिंसेस इसके साथ क्या करना चाहती है? यांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जिस तरह मेरा दिल तड़प उठा था इसे राजकुमार विभूषण की बाहों में देखकर। वेन चाओ ने अपने पास रखा हुआ एक वुडन बॉक्स खोला जिसमें काफी सारी निडल रखी हुई थी। वेन चाओ ने कहा, प्रिंसेस तुम इन निडल का इस्तेमाल इस पर कर सकती हो, इससे यह तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि एक साथी के बिना इसकी जान कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वेन चाओ सोच रहा था, अगर मुझे मौका मिले तो मैं सारी निडल उस लैंजन की बॉडी में उतार दूं ताकि मैं उसे तड़पते हुए देख सकूं। मैं जानता हूं मेरे साथ जो उस दिन हुआ था वह सब उस लैंजन ने ही किया था। पता नहीं आखिर उसमें कौन सी ऐसी पावर है जो पिताजी उसे पृथ्वी से यहाँ पर लेकर आए हैं। और उधर वैन रोहन जो विंग से बातें कर रहा था, लेकिन विंग का ध्यान आज बिल्कुल भी वैन रोहन की बातों पर नहीं था, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने लैंजन पे था जिसे यांग जी अपने साथ लेकर गई थी। क्योंकि विंग जानता है कि यांग जी एक ऐसी लड़की है जो ना ही किसी इंसान और ना ही किसी जानवर पर तरस खाती है। इवनिंग का समय हो चुका था जब वेन रोहन की बातें ख़त्म हुई और विंग को बाहर आने का मौका मिला, और विंग सीधा यांग जी के रूम की तरफ दौड़ा जिसके पीछे वैनिंग भी था। लेकिन विंग जो इस समय वैनिंग की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे केवल इस समय अपने लैंजन को देखना था। विंग जब यांग जी के रूम में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर जैसे विंग की सांसें रुक गई और विंग गुस्से में चिल्ला उठा, यांग जी तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान के नाम पर एक जानवर हो। क्योंकि विंग टेबल पर तड़प रहे उस रैबिट को देख रहा था और जिसकी नेक से ब्लड बह रहा था, और यांग जी जिसे बहुत ही सुकून से बैठकर देख रही थी। विंग ने दौड़कर उस रैबिट को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन विंग का दिल जो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और डर के कारण बहुत ही तेजी से बीट कर रहा था। यांग जी ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, राजकुमार विभूषण, आखिर इस रैबिट में ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम्हारी जान निकली जा रही है? विंग ने यांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार जैसी फीलिंग ही नहीं है। यांग जी ने कहा, हाँ नहीं है, क्योंकि हमारे महल में प्यार जैसी चीज की कोई कीमत नहीं है। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ और यही कारण है कि मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कोई तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, मैं केवल तुम्हारी एक जिद हूँ जिसे तुम पाना चाहती हो। तुम जानती हो वैनिंग जो तुमसे इतना प्यार करता है, लेकिन मैं कभी भी उससे तुम्हारे प्यार के बारे में बातें नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की वैनिंग जैसे प्योर हार्टेड पर्सन को डिजर्व नहीं करती। वैनिंग जो इस समय डोर पर खड़ा था और विंग की सारी बातें सुन रहा था, तभी यांग जी ने गुस्से में कहा, ब्लैक मैजिक कोट, अपने शब्दों को संभाल कर बोलो, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम ब्लैक मैजिक महल की एम्परर की बेटी से बात कर रहे हो? तभी विंग ने कहा, मैं नहीं भूला हूँ और मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहता। विंग ने एक बार फिर से उस रैबिट की तरफ देखा जो ब्लड में कवर उसकी बाहों में था। विंग का दिल एक बार फिर से भरने लगा, विंग की आंखें नम होने लगी और विंग के कदम उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगे। तभी विंग की नज़र डोर से बाहर खड़े वैनिंग पर पड़ी जिसकी आंखें वोटरी हो रही थी। इससे पहले कि विंग वैनिंग से कुछ कह पाता, तभी वैनिंग ने कहा, राजकुमार विभूषण, पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैनिंग और विंग जब विंग के रूम के सामने पहुँचे तो वैनिंग ने कहा, लाउसी,
आप रंजन की जान बचा सकते हो, उसे कुछ नहीं होगा। बीइंग जो इस समय बहुत हैरानी से बैनिंग की तरफ देख रहा था, तभी बैनिंग ने कहा, लाउसी मैं जानता हूँ यह कोई रैबिट नहीं है, यह लैंजन है। उस दिन बेड पर जो खूबसूरत सा फ्लावर था वह कोई फ्लावर नहीं लैंजन था। और उस दिन खाने की ट्रे में एक गोल्डन कलर का ब्यूटीफुल सा जो कप रखा हुआ था वह कोई कप नहीं लैंजन था। बीइंग ने वैनिंग की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब? तभी वैनिंग ने कहा लाउसी आपको क्या लगता है अब तक किसी ने यह क्यों नहीं पूछा कि अगर लैंजन डिसिपल रूम में नहीं सोता तो फिर कहाँ सोता है? क्योंकि मैं जानता हूँ लाउसी वह हमेशा आपके रूम में आपके साथ सोता है, और इसीलिए मैं हमेशा सबसे यही कहता था कि लैंजन हमेशा मेरे रूम में सोता है, और इसीलिए कभी किसी ने नहीं पूछा कि आखिर रात के समय लैंजन कहाँ जाता है। बीइंग जो इस समय बैनिंग को गले लगाना चाहता था, लेकिन बैनिंग ने कहा, लाउसी अब आप जाइए क्योंकि ऐसा ना हो देर हो जाए और हम उसे ना बचा पाए। बीइंग ने रैबिट की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन बैनिंग। तभी बैनिंग ने कहा, लाउसी एक आप ही हो जो उसकी जान बचा सकते हो क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। और लाउसी आप कहो या फिर ना कहो, आपकी आंखें हमेशा कहती हैं कि आप भी उससे बहुत प्यार करते हो। लैंजन क्लास रूम के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपकी नज़र हमेशा उसी पर ठहरी रहती है। और वैनिंग ने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाइए लाउसी, इस समय केवल उसे आपकी ज़रूरत है, सिर्फ आपकी। बीइंग अपने रूम में आया और उसने रूम का डोर बंद कर दिया, और बीइंग ने उस रैबिट को धीरे से अपने बेड पर बिठाया। बीइंग जिसकी आंखें पूरी तरह से वोटरी हो रही थी, बीइंग ने कहा, लंजा अपने रूम में आओ। और कहते हुए बीइंग ने वांजी की नेक में लगी तीन नीडल बाहर की तरफ निकाल दी, और देखते ही देखते वांजी अपने रूप में आ गया। बीइंग जो इस समय देख रहा था कि वांजी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, वांजी की बॉडी जो पूरी तरह से हीट हो रही है, वांजी जो इस समय पूरी तरह से तड़प रहा था और अपनी बॉडी से क्लोथ को खींच रहा था जैसे वह उन्हें उतार कर फेंक देना चाहता हो। बीइंग ने आगे बढ़कर वांजी के क्लोथ को खोला और उसको बिठाया और उसकी बॉडी से उन क्लोथ को अलग कर दिया। वांजी जो इस समय हाफ नेकेट हो चुका था, बीइंग ने वांजी को अपनी बाहों में भरा और उसे शांत करने लगा। ऐसा नहीं था कि बीइंग ने वांजी को लेकर कभी भी अपने मन में कोई फैंटेसी नहीं बनाई है। ऐसा नहीं था कि बीइंग ने कभी भी वांजी को लेकर अपने मन में डिजायर फील नहीं किया है, लेकिन वह वांजी को उस समय अपनी बाहों में भरना चाहता था जब वांजी पूरी तरह से अपने होश में हो और उसके प्यार को फील कर पाए, ना ही केवल उसकी डिजायर को। वांजी की बॉडी जो इस समय पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी थी, और वांजी बीइंग को बहुत ही टाइटली अपनी बाहों में भर रहा था। वांजी को अपने इतने क्लोज पाकर बीइंग की बॉडी भी अब रिएक्शन पाने लगी थी। बीइंग जो वांजी की हॉट ब्रीथिंग अपनी नेक पर फील कर पा रहा था, और बीइंग भी अब वांजी के शोल्डर पर स्मॉल स्मॉल किसेस करने लगा था। वांजी की अनटचेबल ब्यूटीफुल डेलिकेटेड बॉडी जो इस समय पूरी तरह से बीइंग की बाहों में थी, वांजी की अनटचेबल मिल्की स्किन वह रेड मार्क डिजर्व नहीं करती थी जो बीइंग की डिजायर इस समय उसकी बॉडी पर बनाना चाह रहे थे। और बीइंग ने वांजी के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, लंजा मैं जानता हूँ तुम इस समय अपने होश में नहीं हो, और इसीलिए मैं तुमसे कह सकता हूँ, लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। और बीइंग वांजी के लिप्स पर किस करने लगा था। बीइंग जो बहुत ही पैशनेटली वांजी को किस कर रहा था, और वांजी भी बीइंग के किस का पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रहा था। वांजी जो पूरी तरह से बीइंग को अपनी बाहों में खींच रहा था और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से प्रेस कर रहा था, क्योंकि वांजी इस समय पूरी तरह से उस निडल के कब्जे में था और वह इस चीज़ के सिवा दूसरी कोई और चीज़ नहीं सोच पा रहा था। बीइंग जो वांजी की पूरी बॉडी पर कभी किस कभी लिक तो कभी शक कर रहा था, यह सोचकर कि शायद वह अपने किसी से ही
भगवान जी की बॉडी को शांत कर सके और उसे उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत ना पड़े। विंग जो वांजी को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस कर रहा था और धीरे धीरे उसके लोअर गारमेंट उतार रहा था। वांजी जो विंग के सामने पूरी तरह से नेकेड था और विंग वांजी को एक बार फिर से किस करने लगा था। विंग ने वांजी के निपल्स को अपनी दांतों में दबाया और अपनी जीभ से सहलाया, जिससे वांजी पूरी तरह से मूनिंग कर उठा। विंग ने वांजी के दोनों हाथों की फिंगर्स को अपनी फिंगर में टैंगल किया और वांजी की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया। लेकिन विंग देख रहा था, विंग वांजी को जितना पैशनेटली किस कर रहा है, वांजी उतना ही ज़्यादा पेन में दिख रहा है। विंग ने एक बार फिर से वांजी के लिप्स पर किस करना शुरू किया और विंग धीरे धीरे उसकी नेक पर दोनों तरफ बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा था। लेकिन विंग देख रहा था कि वांजी उसके किसी से और भी ज़्यादा नीडी होता जा रहा था। विंग वांजी की नेक से फिसलते हुए उसकी चेस्ट पर उसकी दोनों कलियों को जोड़ते हुए उसके बैली बटन तक आ पहुँचा था। लेकिन विंग ने अभी भी वांजी के हाथ को फ्री नहीं किया था। वांजी जिसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी और उन नीडल्स के नशे के कारण उसकी बॉडी जो इरेक्शन पा रही थी और विंग के किस उसे और भी ज़्यादा ईगर बना रहे थे। विंग के लिप्स अब वांजी की बैली बटन से फिसलते हुए उसकी थाइस तलक पहुंच चुके थे और विंग ने वांजी की थाइस पर किस करते हुए वांजी के एक हैंड को फ्री कर दिया और विंग ने वांजी के लोअर पार्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया, जिससे वांजी पूरी तरह से मूनिंग कर उठा और वांजी ने विंग के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। विंग जो वांजी को पूरी बॉडी पर किस कर चुका था, लेकिन विंग देख रहा था कि वांजी उसके किसी से शांत नहीं होने वाला, क्योंकि वांजी सेक्सुअली इतना ज़्यादा अराउज हो चुका था कि वांजी की आंखों से आंसू आने लगे थे और वह अपनी खुद की बॉडी को ही अपने नाखूनों से खरोचने लगा था। विंग का दिल बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था वांजी को इस हालत में और इतने पेन में देखकर। विंग जो वांजी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब विंग के पास वांजी को शांत करने का कोई और रास्ता नहीं था और विंग खड़ा हुआ और अपने क्लोथ उतारने लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।